शुक्रवार को सर्व देवता सेवा समिति की कार्यकारिणी की बैठक संस्कृति सदन या देव सदन में समिति के अध्यक्ष शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में समस्त कारदारों ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बैठक में शिवपाल शर्मा ने बताया कि जी नई जगह देवताओं के लिए चिन्हित की गई है, उसे प्रशासन शीघ्र तैयार करने की कृपा करे ताकि देवता को बैठने में असुविधा न हो और देवी देवताओं के मंदिर में और मंदिर परिसर में कुछ शरारती तत्वों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। इसके लिए हम पुलिस अधीक्षक जिला मंडी से अनुरोध करते हैं कि मंदिरों में शरारती तत्वों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए गश्त की जाए। बैठक के दौरान कारदार करम सिंह थलोट मार्कंडे व अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि इस समय मंदिर के साथ फोरलेन की कटिंग का काम चला हुआ है, जिससे वहां जमीन के पास तीन देवता मंदिर व भंडार जैसे श्री थलोटी मार्कंडे, श्री देव डांभरू, श्री देवी काली कुगसी हैं। इस कटिंग से मंदिरों पर खतरा बना हुआ है व जमीन धस रही है, मंदिरों में भी दरारें आ गई हैं। सरकार व प्रशासन से अनुरोध है कि देवता संस्कृति की धरोहर का ध्यान रखते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई की जाए या इन देवी देवताओं को अलग अलग जगह दी जाए ताकि समय रहते देवताओं की व्यवस्था ठीक की जा सके। शिवपाल शर्मा, अध्यक्ष जिला मंडी। आज हमारी कार्यक्रम की बैठक थी। इस बैठक में हमारे जो अभी शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2023 में आ रहा है, उसके बारे में, उसके संबंध में चर्चा की गई। ये तो पहले भी हमने माननीय जिला देश मंडी को लिख के दिया हुआ है कि जो पर्दा ग्राउंड है जहाँ हमारे देवी देवता बैठते थे, उसमें जो भवन का कार्य लगा हुआ है, प्रशासनिक भवन का कार्य लगा हुआ है, वहाँ उसका मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको खाली कर दिया जाए। गत वर्ष भी हमने देवी देवता यहाँ बिठाए थे, कुछ देवता आगे पीछे एडजस्ट किए थे, मगर उसका प्रशासन ने कहा था कि अगली शिवरात्रि में ये स्थान बिल्कुल ठीक किया जाएगा, पर अभी तक उस स्थान में वैसे ही मटेरियल पड़ा हुआ है। समस्त कारदारों ने इसकी मांग रखी थी, अगर देवताओं को अगर सही स्थान ना मिले और उनको मान सम्मान ना मिले, बार बार देवताओं को आगे पीछे जाना पड़े, तो ये देवते का जो है सम्मान भी कम हो रहा है और देव परंपरा के अनुसार भी गलत हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा प्रशासन से, इसको सिर खाली किया जाए और जो देवी देवता डिस्टर्ब हुए हैं उस स्थान से, उनके लिए जो नया स्थान हमने चिन्हित किया है प्रशासन द्वारा भी उसमें मौका करा दिया है और कार्रवाई स्टार्ट कर रहा है, उसको भी अतिशीघ्र किया जाए ताकि शिवरात्रि में हम देवी देवताओं को ठीक तरह से बिठाया जा सके, उनके मान सम्मान में कोई ठेस ना पहुँचे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति धरोहर है ये हर जन समाज से जुड़ी हुई है। हर देवी देवता जो मंडी आते हैं, कई लोग, कई बुजुर्गों को उनकी मानता होती है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे देवता का सम्मान ठीक रहे। तो इस पर सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रशासन अनुरोध करता हूँ, इसमें जरूर ध्यान दें, गौर करें। दूसरा, हमारे जो मंदिर है जंगलों में भी है, पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ मंदिर है इसमें पर्यटक बड़े आ रहे हैं। पर्यटक आने में क्या है कि कुछ शरारती तत्व भी साथ आ रहे हैं, वो रात को वहाँ कहीं पिकनिक करते हैं, कहीं नशा इत्यादि करते हैं, उससे वातावरण गांव का भी खराब हो रहा है और मंदिरों का एरिया भी खराब हो रहा है। तो इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गश्त तैयार किया जाए ताकि वो डे एंड नाइट गश्त उन मंदिरों में की जाए, ताकि भय रहे उनको शरारती तत्वों को, ताकि मंदिर इससे मंदिर का वातावरण ठीक रहेगा और गांव के लोग भी आसानी से सो सकेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए मंडी से हिमांशु अग्रवाल की रिपोर्ट।